कहेंगे आज आप फुंदाबाद शरीफ में जदरबस्तुल्ला रहमतुल्लाह के बारगाह में आपने चादर चढ़ाया है और मीडिया वाले को बुलाया है, तो क्या कहेंगे और क्यों बुलाया है, जानकारी क्या है? आज फुंदाबाद शरीफ में जो तो अटल समाज सेवा का जो पूरा ग्रुप आज जर्जरी बख्श जरदुल्ला रहमतुल्ला ने उनकी बारगाह में आज हमने चादर और फूल पेश किए और उनकी बारगाह में दुआ गो होकर देश के जो हालात आज आप देख रहे हैं बहुत गंभीर हालात हो गए हैं, तो उसी के तहत हमने दुआ की। और इसका जो ख़ास मकसद है आपको मैं बताता चलूं कि मराठा समाज के जो जयरंगे पाटिल साहब आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें सभी समाज के आरक्षण के लिए उन्होंने बार बार आवाज़ उठा रहे हैं। आज हमने जर्जरी बख्श जरदुल्ला रहमतुल्ला अलैहि इनके बारगाह पर फूल चादर चढ़ाकर ये दुआ की है कि जनाब जयरंगे पाटिल साहब जो अपने समाज की और दूसरे दिगर समाज की जो आरक्षण की आवाज़ उठाए हैं उन्हें इसमें कामयाबी मिले, यही हमने बुजुर्गान दीन के रोजे मुबारक पर आकर दुआ की, यही हमारा मकसद था आपको आज बुलाने का। सर उसके अलावा जैसा आपने मराठा आरक्षण कहा है लेकिन उसके अलावा हम देख रहे हैं कि 22 जनवरी को राम मंदिर का शुभारंभ होने जा रहा है और व्हाट्सएप फेसबुक पे कई बातें वायरल हो रही है, मुसलमानों को डराया जा रहा है कि बाहर मत निकलो ये करो, तो इसके ऊपर भी कुछ आप कुछ दुआएं की या कुछ पैगाम आपकी तरफ से? हम उसी के तहत आज यहाँ पर बुजुर्गान दीन के मज़ार पर आए हैं क्योंकि देखिए जो अल्लाह के वली होते हैं अल्लाह उनकी सुनता है, उसी के तहत आज हमने यहाँ पर आकर दुआ की और साथों साथ हम जो है तो जो हिंदू समाज जो 22 जनवरी को जो अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं तो हम आपके चैनल के माध्यम से उनको भी रिक्वेस्ट करते हैं कि देखिए मुसलमानों को ऑलरेडी जो है तो मुसलमान इससे गमज़दा है और जो है तो आप कोई ऐसी हरकत ना करें जिसके वजह से देश के राज्य के हालात ख़राब हो, हम आपकी खुशी में शामिल है। हमने जो है तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसको हमने मान्य किए और हमने जो है तो देश की शांतता को भंग नहीं होने दिया और आपसे भी हम गुजारिश करते हैं कि आप भी कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे देश के हालात ख़राब हो। आपका पूरा नाम एक बार बोल दीजिए। मैं नजरुद्दीन फारूकी अटल समाज से। तो जो हमारे नजरुद्दीन फारूकी सामने जो बोले हम जो तो तुम्हारा भी शुक्रिया अदा करते हैं मीडिया वालों का बहुत बहुत, तो तुम भी जैसा कौम के वास्ते जा भी कुछ ऐसा आ रहा तो तुम भी जैसा तैयार हो जाते आने के लिए ना जी, तो तुम्हारा बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे भाई लोग भी आए हुए औरंगाबाद से, कोई लोग आए शब्बीर भाई है, अहमद साहब है और मैं अब्दुल हकीम शाह, तो हमारा बोलना यही चाहिए कि जो हमारे नजरुद्दीन फारूक साहब ने जो बोले तो उसके ऊपर अमल करना चाहिए, कैसा है सब जातिवाद ये वो सब मिटा के और भाईचारा रख के काम करना चाहिए ना। हमारा ये बोलना है कि भाई जैसा जा भी कई तकलीफ हो रही है, कई दंगल फसाद हो रहे हैं, जातिवाद हो रहा है, तो इसको जैसा ये सामने लाना सब एक ही छे, गरीब लोग जो नुकसान हो जाता धंधे पानी बंद हो जाते, कभी महाराष्ट्र बंद हो जा रहा है, कभी ये कर दाड़े, कभी चक्का जाम कर दाड़े, तो ये वजह से जो है तो ये काम नहीं होना चाहिए, सब भाईचारा करके एकता करके काम करना चाहिए, काम नहीं होना चाहिए, सब मिलजुल के काम होना और सब अपने एक ही छे, सब एकता है, कोई ऐसा कोई वास्ते जो है तो सब भाईचारा रख के एकता करके। और जो हमारे नजरुद्दीन फारूक साहब ने जो बोले ये इसके ऊपर थोड़ा अमल करके जो है तो ये काम करना चाहिए। आपका पूरा नाम है? मेरा नाम हकीम शाह कासम शाह, पड़ेगा शाह कॉलोनी।